हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए। मुहर्रम का बहुत ही विशाल मेला लगा हुआ है हमारे गांव में और अभी हम आए हुए हैं अपने गांव। चलिए आज आपको हम दिखाते हैं क्या मुहर्रम का विशाल मेला। चलिए वीडियो। अब हम लोग चलेंगे अपने स्कूटी से मेला देखने के लिए। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगता है इस मेले में। अभी टाइम हो रहा है 5:03 और अभी से देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग रिटर्न भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जैसे कि हम लोग अभी जा रहे हैं देखने के लिए। ये मेला रात के 9 बजे तक 10 बजे तक लगा रहता है, रात भर भी लगा रहता है। लोग ज़्यादातर शाम को जाते हैं घूमने के लिए। के बाद आप निफिक्र घूम सकते हैं। तो देखिए पूछते हैं जाके कितना टिकट है, सब कुछ पूछ के फिर लगाएंगे। इतना सारा लगा हुआ है। बाइक का पार्किंग एरिया जहाँ पे आपको लगेंगे टोकन बाइक को जमा करने के लिए। ये देख रहे हैं आप काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपना अपना बाइक जमा किए हुए हैं, क्योंकि मेला के कैंपस में भी लगा सकते हैं लेकिन वहाँ डर रहेगा कि कोई चोरी ना कर ले, इसलिए निफिक्र के लिए हम यहाँ पे लगा दिए हैं। अब चलेंगे सीधा मेला के अंदर। मेला के बाहर का एरिया ये देखिए क्या है, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। जूम नहीं, ये देखिए इसको, वैसे हम लोग मैथिली में दाहा बोलते हैं इसको, लेकिन ऐसे हिंदी में इसको ताजिया शायद बोला जाता है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा, अभी तो फिलहाल 4 आया हुआ है, 4 देखने के लिए मिल रहा है। फिर चलते हैं मेला के कैंपस में, फिर दिखाने के लिए एंट्री बहुत सारे जगह से, लेकिन हम लोग फिलहाल इधर से आए हुए हैं इसलिए हम इधर से इन करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या, बड़ा सा आसमानी झूला। देखिए वो है गेट पर ही, काफ़ी बड़ा ये मेला बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि अहाँ सब अगर मिथिला में हुए तो रण पड़ियापुर के बारे में जानित हुए, क्योंकि काफ़ी दिन से ये मेला लग रहा है। तो देखियो आसमानी झूला के ये सब लौ रहा है मज़ा। तो चलू चलिए अब हम दिखाते हैं मेला के अंदर का हिस्सा। ज़्यादा बड़ा है ये। सबसे बड़ा वो जो बीच वाला आपको दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद सेकेंड नंबर में ये है, मेरे गांव की तरफ से इधर आया हुआ है, देख पा रहे हैं आप, सबसे छोटा है वो। यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे आपको देख रहे हैं, देखने के लिए मिल रहा है। देख रहे हैं जब सबसे बड़ा जो है वो है ये मिडिल वाला, देखिए कितना बड़ा है वो। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ।